आशा कनौजिया है जहां ऑफर का लेटर बच्चों को दे रहा था, मैं कहना चाहता हूं कि मुझे बहुत ही सुखद अनुभूति हो रही। हर बच्चा पढ़ा लिखा हो अथवा अनपढ़, यदि वही युवा है तो कुछ ना कुछ करना चाहता है। हर युवा के अंदर एक उमंग होता है, एक उत्साह होता है, लेकिन यह विडंबना है कि आजादी के इतने वर्षों को गुजर जाने के बावजूद जो युवा अपने हाथों को काम चाहता है उसको हम काम नहीं दे पाए, उसको रोजगार नहीं दे पाए। स्वाभाविक रूप से नौजवान के अंदर एक हताशा और निराशा की स्थिति पैदा होती है, और आप जानते हैं जब कोई भी व्यक्ति हताश होता है, निराश होता है, उसकी क्रिएटिविटी, उसकी सृजनात्मक क्षमता भी क्षीण होने लगती है। समाज को योगदान करने की जो उसकी क्षमता होती है वह धीरे धीरे जो है समाप्त होने लगती है। और सचमुच मैं तो अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन की प्रशंसा करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री बनने के साथ ही उन्होंने यह फैसला किया कि हम बड़ी संख्या में इस हिंदुस्तान के बेरोजगार नौजवानों को, वो भले ही कम पढ़े लिखे हों, उनकी योग्यता, क्षमता और प्रतिभा के आधार पर कुछ न कुछ रोजगार मुहैया कराने की हम कोशिश करेंगे। यह आवश्यक नहीं है कि सभी को नौकरी मिले, कोई भी सरकार हो, कैसी भी सरकार हो, सभी को नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन वह सरकार कम से कम उसके अंदर एक ऐसा स्किल डेवलप कर सकती है, ऐसा कौशल विकसित कर सकती है ताकि वह व्यक्ति अपने कौशल के माध्यम से अपनी रोटी रोटी चला सकता है, अपने परिवार को चला सकता है और इस देश के अर्थव्यवस्था में भी वह कंट्रीब्यूट कर सकता है।